वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है कन्वर्ट 154 डिग्री 20 एक है सेकंड, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। 154 डिग्री 20 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्या किया, डिग्री मिनट सेकंड तीनों था उनको भी कन्वर्ट करना सिखाया है। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, मिनट और सेकंड है उनको भी कन्वर्ट करना सिखाया है। फिर डिग्री और मिनट है उसको भी कन्वर्ट करना सिखाया, और अकेला डिग्री है उसको भी कन्वर्ट करना सिखाया। तो इस वीडियो में तो हमारे पास यही है कि डिग्री और हमारे पास क्या है, सेकंड है, मिनट नहीं है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो किस तरह करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर जो गिवन है 154 डिग्री और 20 सेकंड उसको यहाँ पर लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं, 154 का 154 लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस लगा लें और ये जो नंबर है उसको यहाँ पर लिख लें, और इसको डिवाइड यहाँ पर या तो इस तरह कर लें जैसे मैंने इधर 60 ये था सेकंड में, तो इसको डिवाइड करवाया 60 इंटू 60 से, या आप डायरेक्ट जो है 3600 से डिवाइड करवा दें जैसे मैंने यहाँ पर करवाया, यहाँ भी ये सेकेंड था, जिस मर्जी करवा लें। ओके, या 60 इंटू 60 लिख लें क्योंकि वो भी 3600 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3600, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर डिग्री लगा देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये करते हैं कि 154 का 154 आ गया, प्लस का प्लस आ गया। अब इसको कट कर दें, या आप नहीं कट करना चाहते तो आप इस स्टेप पे ही एलसीएम ले लें। मैं ये करूँगी कि कट करके फिर हमारे पास जो है बाद में एलसीएम लूँगी, उस तरह ईजी हो जाएगा हमारे पास। अब आपकी मर्ज़ी है, डायरेक्ट किसी बड़े नंबर से कट करना तो वो भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह कट करना है कि 200 से कैंसिल हो गया, उसके बाद 2002 आ गया, 2 के टेबल में जो है हमारे पास 36 होता है 18000, और ये 0 का 0 आ गया। ओके, तो इस तरह हुआ कि 21020, और 20 जो है कितनी ज़्यादा 3600 होता है 180 टाइम्स, जिसका मैंने कट किया वो ज़्यादा ईजी है ना, कि 00 से कैंसिल हो गया और दैन 2 और 360 को कट करवा दें। कट तो सेम टेबल से करते हैं, इतना पता है ना। अच्छा, 1 का 1 आ गया ऊपर, डिनोमिनेटर में 180 आ गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिग्री। अब आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका ही एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, आपको पता है जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। 1 और 180 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 ही आ जाएगा। अब देखें, एलसीएम लेना आपको आता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं आता तो वो ये है इस तरह के, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। जस्ट मैं आपको दो जो है कॉन्सेप्ट बताऊँगी जो आपको इजी लगे उसको फॉलो कर लें। एक ये है कि आप जो है यहाँ पर जब कुछ नहीं है 1, आपको पता है, आप जस्ट क्या करें, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख लें। एक ये बात हो गई, और दूसरी ये बात है जो आपको सही लगे उनमें से फिर फॉलो कर सकते हैं। ये देखें, दूसरी ये बात है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 के टेबल में 180 कितने टाइम्स आता है, 180 टाइम्स, 180 को मल्टीप्लाई करवा दें 154 से तो तब भी वही आएगा ना। तो आप सिंपल इतना समझ लें, इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख लें, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, या 1 लिखा भी हुआ लिख भी लें बेशक, या कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 ही है ना। तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख लें। और ये दूसरा कॉन्सेप्ट अब ये है आगे का, कि इधर तो हम ये काम कर लेंगे, आगे क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम है ऐसा ही है, 180 और 180 ही है, तो आप जो है न्यूमरेटर एज इट का एज इट लिख लें। और अगर आप दूसरी तरह देखते हैं तो 180 के टेबल में 180 आता है 1000, तो 1 को 1 से भी करवाएं तो 1 ही आता है ना। तो ये सिंपल इतना समझ लें, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे 154 को 180 से, तो क्या आता है यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27720। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख लिया, प्लस का प्लस आ गया, 1 का 1 आ गया, और हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज होगी, और यहाँ पर डिग्री का साइन भी आ गया। 27720 में हम 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27721 डिवाइडेड बाय, मतलब डिनोमिनेटर में 180 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है डिग्री का साइन आ जाएगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 27721 बाय 80 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाय 180 से, और यहाँ पर रेडियन भी लिख लेते हैं। अब देखते हैं कट होता है तो कट कर दें, अदरवाइज मल्टीप्लाई करवा के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 180 था, सॉरी, ओके, मैंने 80 लगाया हुआ था। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं कि ये कट तो नहीं हो रहा, वरना हम कट कर देते। ओके, तो 27721 को पाई से मल्टीप्लाई करवाएं तो 27721 पाई ही आ जाएगा, साथ रेडियन भी लिख लेते हैं। 180 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है 32400। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 32400, और रेडियन भी लिख लेंगे। तो इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह कन्वर्ट करते हैं जब आपके पास डिग्री और सेकंड है, तो उसको आपने इस तरह रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपने कैप्चर करना है तो यहाँ पर
ऊपर आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन, आप कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपने इन टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है कि मतलब जब आपके पास डिग्री है, मिनट है, सेकंड तीनों हैं, और जब आपके पास मिनट और सेकंड ही है, डिग्री नहीं है, तो उससे प्रीवियस भी जो मैंने आपको बताया था सब पे वीडियोस बनाई हुई, आप चेक कर सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।